जब जयपुर शहर में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ तो लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी। कुछ को लगता था जब खुदाई का काम होगा, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलेगा तो इस शहर का खूबसूरत चेहरा कुरूप होने लगेगा, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत नष्ट होने लगेगी। मगर मज़ेदार बात यह है कि हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो ज़मीन के नीचे दबी यह खूबसूरत बावड़ी लोगों की नज़र के सामने आई, जिसके बारे में लोग भूल चुके थे, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था। जब छोटे चौपड़ की सतह पर खुदाई की गई तो एक ऐसी खूबसूरत बावड़ी के अवशेष नजर आए जो 150 बरस से जमीन के नीचे दबे थे। खुदाई के अगले दौर में एक और भी पुरानी सतह का पता चला जो पहली सतह से तकरीबन 100 साल पुरानी थी। संगमरमर के जिन गोमुखों से पानी निकलता था उन्हें सावधानी से निकालकर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में रखवाया गया है। जयपुर मेट्रो ने यह बीड़ा उठाया है कि कई पीढ़ियों से जमीन के नीचे दबी इस खूबसूरत विरासत को वो नागरिकों को लौटा सके।